अब से ये तुम्हारा कमरा। हमारा कमरा? ये हमारा कमरा है? मतलब सिर्फ हम रहेंगे यहाँ? हाँ तो तुम अकेली रहोगी यहाँ, और कौन रहेगा? जब तुम रसोई में सोती हो तो इतने खराटे मारती हो, पूरे घर में आवाज गूंजती है, सबकी नींद खराब हो जाती है। तो अच्छा है ना आपसे यहाँ रहोगी, जितने खराटे लेना है यही लेना। आपको एक नौकरानी के लिए सब करने की जरूरत नहीं है। घर वाले क्या सोचेंगे? घर वाले क्या सोचेंगे, ये तब नहीं सोचा जब मुझे आग में कूद के बचाया। बुखार में मेरी रात भर सेवा की, ठंडे पानी की पट्टी की, तब नहीं सोचा घर वाले क्या सोचेंगे। वाह, किसी ने तो सही कहा है, अच्छे लोगों की संगति में रहकर हम भी अच्छे बन जाते हैं। हाँ वैसे मेरे साथ रह के सुधर रही हो तुम, और सुनो ये सब तुम्हारा है ठीक है, मुझे जैसा ठीक लगा मैंने लगा दिया, और अब से तुम यहाँ बैठ के पढ़ोगी। ये कोई उम्र है पीठ में दर्द होने की? यहाँ पे एक घंटों बैठ के पढ़ोगी, पीठ में दर्द नहीं होगा। आप कितने अच्छे हैं राघव जी, हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इन सब का एहसान कैसे चुका पाएंगे हम? सुन भी रही हो, मैं कुछ कह रहा हूँ। हेलो, कहाँ को गई? कुछ सुन रही हो जो मैं कह रहा था? सुन ही रहे, आज आपने हमारी बहुत ही बंद कर दी है सब करके। अरे रो क्यों रही हो, ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो बहुत कुछ करना है। ये तुम्हारी वॉल पेंट करनी है सबसे पहले, चलो मेरी हेल्प करो, रोना बाद में। ओ जानिए। अरे खड़ी क्यों, ब्रश उठाओ। ऐसे करो, अच्छे से करो, पेंट करना भी नहीं आता। अरे ऐसे सीधा, उसको पहले डिप तो करो, रुको मैं सिखाता हूँ, पकड़ो इसे, चलो डिप करो। तुमने तो कहा था तुम्हें कोई जरूरी काम है, ये है तुम्हारा जरूरी काम? हाँ वानी, ये जरूरी काम ही तो है, मुझे मिश्री को उसका कमरा देना था। किचन में ना सो पाती थी ना पढ़ पाती थी, तो जाम जो उनका ले रहे थे ना, उसके सामने एक मैंने दुकान देखी जहाँ पे सब सामान मिला, तो मैंने घर भिजवा दिया। दीदी आप भी हमारे साथ पेंट कीजिए ना, हमारी खुशियों में आपका रंग शामिल होना बहुत जरूरी है। रहने दो मिश्री, मेरे हिस्से का रंग पहले से चढ़ा हुआ है। नहीं दीदी, आपको तो हमारी मदद करनी पड़ेगी। आइए। फानी दीदी, ये क्या किया तुमने? हाँ, मेरा पूरा ड्रेस खराब कर दिया। दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें, या फिर मेरा सब कुछ खराब करने का ठान लिया है तुमने? सॉरी दीदी, हम इसे भी ठीक कर देते। दीजिए पूरा टो। सॉरी कह देने से तुमने जो किया है वो ठीक नहीं हो जाएगा। वानी रिलैक्स, एक ड्रेस है, इतना क्या गुस्सा हो रही हो? राघव बात एक ड्रेस की नहीं है, और तुम तो रहने ही दो, मैं खुद बाहर जाके ड्रेस धो लूंगी। ड्रेस के साथ ना थोड़ा ठंडा पानी अपने सर के ऊपर भी डालकर आना, छोटी छोटी बात पे इतना गुस्सा आ जाता है यार तुम्हें, और तुम्हारे ऊपर ना गुस्सा सूट नहीं करता। इसे क्या हो गया?
पहली बार राघव मेरे साथ था लेकिन मिश्री के बारे में सोच रहा था। मिश्री के लिए उसने पूरा कमरा बना दिया, उसके हर जरूरत का ख्याल रख रहा है वो, और मेरा कपड़ा खराब हो गया उसने कुछ बोला तक नहीं। क्या मम्मी सही कह रही है दोनों के बारे में? वाले दीदी को कुछ गलत फहमी हो गई है। गणपति विसर्जन की तैयारी कर लो, उसके बाद हम खुद उनसे बात करेंगे। तैयार तो मैं हूं। मिश्री की जिंदगी बर्बाद करने के लिए चलो भाई, अब गणपति बप्पा के विसर्जन से पहले सब लोग अपने अपने मन की इच्छाएं उनते बोल दो। जाने से पहले सबकी इच्छाएं पूर्ण कर देंगे। मुझे पता है गणपति जी से तुमने मुझे ही मांगा होगा, है ना? हाँ, तुम्हें कैसे पता? तुम्हें मांगा, परिवार की खुशियां मांगी और बोला कि माँ की तबीयत कभी खराब नहीं होनी चाहिए। मेरे दादा दादी जी आउट ऑफ इंडिया ट्रिप के लिए मान जाए, मेरी सुप्रिया बुआ का बेबी हेल्दी हो, चित्रा बुआ को बिजनेस में अच्छे क्लाइंट्स मिले, मिश्री की पढ़ाई में कभी कोई दिक्कत ना है, सब अच्छे से हो जाए। तो अब मिश्री तुम्हारे लिए फैमिली मेंबर हो गई है। मिश्री तुमने क्या मांगा? भगवान से मांगी हुई इच्छा किसी को बताते नहीं है मिश्री। मंगल दीदी, कैसी हो तुम? हम ठीक है, आप कैसी हैं? आइए हम आपको सबसे मिलाते। दादी जी, वो हमारे दादाजी है। नमस्ते दादी। पार्वती आंटी जी, नमस्ते। और वो राघव जी, वाणी दीदी, ये हमारी मंगल दीदी है। वैसे तो कुछ समय पहले ही मिले हम दीदी से, पर ऐसा लगता है जैसे बहुत पुराना रिश्ता है इनके साथ। दीदियां बाकी बिहारी जी के आशीर्वाद के लिए आई थी तो हमने उन्हें पप्पा के दर्शन का न्योता दे दिया। बहुत अच्छा किया मंगल बेटा जो तुम आ गई, तुम्हारा स्वागत है हमारे घर में। धन्यवाद। पिछली बार ना हम जगराते में मिले थे और कितनी रौनक लगाई थी, इसने मुझे जैसे कहा मैं वैसे तैयार होके आ गई। याद है ना मिश्री, कितना मजा आया था। तो फिर आज त्योहार भी है और तुम दोनों साथ भी, तो फिर से जी लो वो दिन। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों मिश्री, हम सब मिलके नाचते हैं ना, खूब रौनक लगाते हैं, क्यों दादी जी? हाँ हाँ, ये तो बड़ी खुशी की बात है। क्यों ना, बप्पा का दरबार है, हमेशा की तरह मेरा लल्लो जो है जश्न शुरू करेगा।
मैं तो पहले से ही जानती थी कि ऐसा ही होगा, लेकिन तेरा क्या करूं वानी, तूने तो हमेशा अपनी आंखें बंद रखी है, और अगर अब भी नहीं खोलेगी तो तेरा तो भगवान ही मालिक है। हाँ, तेरे सामने इस काम वाले को राघव ने तुझसे ऊपर रखा है, आज कमरा दे दिया, कल दिल भी दे देगा, और तुम बस आंखें मूंद देखती रह। मिश्री बेटा, जी की आरती और बाकी की रस्में पूरी करो। पापा, पूरा परिवार यहाँ है तो नौकरानी क्यों आरती करेगी? सही तो कह रही है, मिश्री क्यों करेगी आरती? सुलोचना, रीति रिवाज के हिसाब से जो गणपति जी की मूर्ति की स्थापना की है वही रस्में आरती और विसर्जन करे। लेकिन तब जा, जे घर की बहू थी। रीति रिवाज हो सुलोचना, वो किसी रुतबे या रिश्ते से बदले ना जाए और ना चलाए वो। मिश्री बेटा जा, तुम तैयारी कर, और मंगल बेटा आप आज हमारे यहाँ खास मेहमान हैं, आप भी मिश्रे के साथ जाकर रस्मों की तैयारी करें। बस अब एक कदम और, उसके बाद तुम्हारा खेल खत्म। इस केमिकल से जो हाल होगा तुम्हारा, तुम कभी नहीं भूल पाओगी। इसे नीचे रखो। क्यों दीदी? रखो इसे। ये घी नहीं है। ये ना है? तो फिर कहाँ है जे? देखिए, वो कपड़ा भी जल गया है। हाँ, ये घी नहीं है, ये तो केमिकल है। ये यहां कैसे आया, किसने किया ये, किसने किया? अगर मिश्री को कुछ हो जाता तो? घर में से कौन करेगा ये सब? शायद किसी वर्कर ने गलती से रख दिया होगा। वैसे मैंने बाथरूम साफ करने के लिए केमिकल मंगवाया था। राघव, ऐसे वर्करों को काम से निकाल दे। पार्वती बहू, तुम्हें भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, अभी कितना बड़ा हादसा हो जाता।
धन्यवाद मंगल दीदी, आपका यहाँ आना सच में हमारे लिए मंगल हो गया, आपने हमें बचा लिया। परमेश्री, ये बाथरूम में इस्तेमाल करने वाला केमिकल नहीं है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक केमिकल है ये। मिश्री बेटा, तुम आरती की दूसरी थाली तैयार करो और आरती शुरू करो। हम आए। मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया।
मिश्री, मिश्री। शीती दी आपने बुलाया? हाँ, अब जब गणपति जी का विसर्जन हो गया है तो तुम मेरे साथ मेरे घर वापस चलो। असली घर तो तुम्हारा वही है ना। जाओ जाके सामान बांध। नहीं, मिश्री नहीं जाएगी। मैंने अभी अभी उसका रूम तैयार करवाया पढ़ने के लिए। उसका स्कॉलरशिप का एग्जाम आने वाला, मुझे पढ़ाना है मिश्री को। हाँ तो तुम मेरे घर आके पढ़ा लेना, इसी बहाने हम दोनों भी मिलते रहेंगे। मानी ऐसे कैसे पढ़ाई हो पाएगी? और इस वक्त मिश्री का ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए। देखा मिश्री, राघव को लगता है कि बस इसे ही तुम्हारी फिक्र है, मुझे नहीं है। अब तुम ही बताओ कि तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैं बेस्ट टीचर ढूंढ के ला सकती हूँ, बताओ। दीदी हमें लगता है राघव जी ने हमें अभी तक पढ़ाया ना, वो हमारी सारी कमजोरियां जानते हैं, तो अगर आगे भी वही पढ़ाएंगे तो अच्छा होगा। आप हमें यही रहने दीजिए ना। मैं समझ सकती हूँ, वक्त के साथ साथ रिश्ते और जरूरतें दोनों बदल जाते हैं। ठीक है, तुम्हारे स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। चलते हैं। आपने सही कहा था, तो मुझे भी लग रहा है कि राघव और मिश्री के बीच कुछ तो चल रहा है। अच्छा चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, घर चलते सब ठीक हो जाएगा। चुप, शांत हो जाओ। मिश्री, घी की बोतल में केमिकल डालने वाला इंसान वो है। रंजीत गुप्ता जी? हाँ वही। आपको कैसे पता? अरे उनका हाथ देखना, वो गणपति बप्पा का जब आशीर्वाद लेने आए थे तो उनका हाथ जला हुआ था। केमिकल की वजह से ही जला हुआ है। मतलब हमारा शक सही है, जिसने हमारे तेरी इज्जत पे हाथ डाला वो यही है संजीत। मिश्री तू ये मान कि बप्पा ने तेरी सुन ली, तेरी इच्छा पूरी कर दी, तभी तो आज इस रंजीत का सच तेरे सामने आ गया। तुझे पता चल गया कि ये तेरा गुनहगार है। रंजीत फुफा जी का असलियत हमारे सामने लाने में आपने हमारी मदद की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।
दीदी, आप अपनी हंसी के पीछे लाख अपना दर्द छुपा ले, पर हम आपकी तकलीफ जानते, समझते कि कभी कभी सच हमारे इतने करीब होता है कि वो धुंधला हो जाता है और हम उसे साफ साफ देख नहीं पाते। तू मेरी छोड़, अपनी बता, सब ठीक है ना? वानी मुझे थोड़ी नाराज लगी। हाँ, हम उन्हें सच नहीं बता सकते ना कि हमारे यहाँ रुकने की असली वजह रंजीत फूफा जी का असली चेहरा सबके सामने लाने का है, और गोपाल भैया को जेल से छुड़ाना, बस एक बार रंजीत फूफा जी पकड़े जाए और एक बार हमारा स्कॉलरशिप अच्छे से हो जाए, फिर राघव जी को भरोसा हो जाएगा कि हम अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं और उन्हें हमारी जिम्मेदारी का बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। तू चिंता मत कर, तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, तुझे तेरा हक जरूर मिलेगा। बप्पा का इशारा है कि उन्होंने तेरी सुन ली है। तू देखना, उनके आशीर्वाद से तुझे वो मिलेगा जो तेरी किस्मत में लिखा है। चल, अब मैं चलती हूँ। ध्यान से चला दीदी। राधे राधे। राधे राधे। मैंने ना मन्नत मांगी है कि अजीत जी सही सलामत घर वापस आ जाए तो मैं कान्हा जी के मथुरा जाकर दर्शन करूंगी। कुसुम, क्या हुआ है? देख रहा हूं कि तुम आई तब से खोई खोई सी हो। अरे, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हमारा बच्चा सलामत है, पर लगता है तुम अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं आई। मुझे बताओ कुसुम, क्या हुआ? कुछ तो है। लगता है थक कर सो गई है। एक बार बच्चों के रूम में भी जाके उन्हें देख लेता हूं। सोए थे पर अब जा गए हैं सुदेश जी, आंख के सामने बेटे की सच्चाई जो आ गई है। अम्मा, जब मैं छोटा था आप मुझे चप्पल से मारती थी ना, कहती थी ना कि अगर मैंने आपकी बात नहीं मानी तो आप चप्पल से मार मार कर मेरी चमड़ी उधेड़ देंगी। लीजिए, आज मार मार कर मेरी चमड़ी उधेड़ दीजिए। प्लीज,
आप मुझसे मुंह मत फेरिए अम्मा। आदित्य, माँ का प्यार और मार तब तक होती है जब माँ और बच्चों के बीच में प्यार होता है, रिश्ता होता है। लेकिन तुमने तो खुद अपनी घटिया हरकत से ये रिश्ता खत्म कर दिया। अब कैसा प्यार, कैसी मार? जाओ यहां से, हमारे सामने अपना ये नाटक मत करो। मैं नाटक नहीं कर रहा हूं अम्मा, अम्मा मैं नाटक नहीं कर रहा हूं। आदित्य, मां का प्यार और मार तब तक होती है जब माँ और बच्चों के बीच में प्यार होता है, रिश्ता होता है। लेकिन तुमने तो खुद अपनी घटिया हरकत से ये रिश्ता खत्म कर दिया। अब कैसा प्यार, कैसी मार? अम्मा क्या कर रही हैं आप? अम्मा देखिए आपके हाथ भी जख्मी हो गए। जख्म तो तुमने हमें दिया है आदित्य, हमारी जिंदगी का हर खुशी का मौका जख्म बन गया है हमारे लिए। हर वक्त तुम मंगल को धिक्कारते रहे, लेकिन धिक्कार के लायक तुम हो आदित्य। वो तुम्हारी गुणगान गाते हुए नहीं थकती, लेकिन तुम अपनी लाज शर्म घोल के पी चुके हो। हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे आदित्य, कभी माफ नहीं करेंगे इसके लिए। जी आदित्य, आदित्य क्या कर रहे हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? छोड़ो इसे, हमने कहा छोड़ो आदित्य। वहां बाहर जाने दीजिए मुझे। पागल हो गए आदित्य, जान दो कि अपनी, हमने कहा छोड़ो। जी का क्या करूंगा मैं? बहुत गहरी चोट दी है मैंने आपको अम्मा। जो बेटा अपने माँ के प्यार के काबिल नहीं है, उसके मार के काबिल नहीं है, इस बेटे का मर जाने ही अच्छा है अम्मा। आदित्य छोड़ो, हमने कहा छोड़ो इसे, क्या हो गया, क्या बचपना है? छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ूंगी आदित्य, छोड़ो इसे। इशाना वही रुक जाओ, अंदर मत आना। देख रही हो ना, कांच की बोतल टूट गई है, अंदर आओगी तो चुभ जाएगी। चलो जाओ यहाँ से, और अक्षत और दादू को भी कहना कि अंदर ना आए, वरना उनको भी कांच चुभ जाएगा। हाँ समझ गई ना? चलो अब जाओ यहाँ से। पहले जान बचाए, अब इज्जत बचा रही है, दोनों ही जाने देती ना। मैं आपके लिए आपका आदित्य नहीं रहा, बेटा कहलाने लायक नहीं रहा, किस मुंह से जीऊं? इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हो तुम आदित्य? कल भी तुम्हें सिर्फ अपनी ही पड़ी थी, और आज भी अपने बारे में ही सोच रहे हो। जान देने जा रहे थे तुम, या भाग रहे थे अपनी जिम्मेदारियों से? एक बार भी तुमने अपने नन्हे मासूम बच्चों के बारे में नहीं सोचा कि क्या होगा उनका? जब तुम नहीं आए थे तो बेचारे सदमे में आ गए थे, और अब जब तुम हमेशा के लिए चले जाओगे तो क्या होगा उनका?
एक बार भी तुमने नहीं सोचा आदित। और बेचारी मंगल भागी भागी तुम्हारी लंबी उम्र के लिए मन्नत मानने मथुरा चली गई। वो अपने आप को कैसे संभालती उसके बारे में भी नहीं सोचा। अपने बूढ़े माँ बाप का क्या होगा ये भी नहीं सोचा तुमने आदित। जान देना आसान है आदित, लेकिन तुमने जो कुछ भी किया उसका सामना करने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाते तुम? उसका पश्चाताप करने का कदम क्यों नहीं उठाते तुम? क्या माँ बेटे के बीच के रिश्ते की डोर टूट गई है, उसे जोड़ने की कोशिश नहीं करोगे तुम? जब ये कर सको तब बेटे होने का हक मांगने आना। माँ मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ, तो कैसे करो आप ही बताइए ना मुझे। कर्तियों का पुतला बन चुका हूँ मैं, माफी के लायक ही नहीं रहा। तो गलती की क्यों तुमने? देख रहे हो नादित, ये कांच की बोतल टूट गई है, अब ये दोबारा नहीं जुड़ सकती। और अगर इसे जोड़ने की कोशिश भी करो तो बीच में दरारें रह जाएंगे, निशान रह जाएंगे और वो कांच की चुभन चुभेगी। अगर तुम हमसे माफी मांगो तो शायद हम तुम्हें माफ कर भी दें, क्योंकि हम तुम्हारी अम्मा हैं। लेकिन सच्चे दिल से अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो, अपना परिवार, अपने बच्चे, अपनी पत्नी के लिए एक सच्चा इंसान बन के दिखाओ, तब सोचना माफी के लिए। हम मां कुछ और मांग लेती हैं, मंगल का अच्छा पति कैसे बन पाऊंगा? करना पड़ेगा मुझे, अम्मा को शांत करने के लिए जो करना पड़े करूंगा। कैसे करूं? कान्हा जी के दर्शन हो गए। कान्हा जी आपकी कृपा बनी रहे मेरे परिवार पर। स्वामी जी, अरे ये मंगल घर के बाहर क्या कर रही है? मैं तो इसी से मिलने जा रही थी। मंगल के सामने आदित का भांडा फोड़ने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। इससे पहले कि वो बुढ़िया यहाँ पर आ जाए मैं अपना काम कर देती हूँ। सौम्या जी, मंगल, मंगल I'm really very sorry मंगल। आई नो तुमने जब सुना होगा तो बहुत अपसेट हुई होगी, लेकिन प्लीज आदित से कुछ मत कहना। वो क्या है ना कि मैंने ही आदित से कहा था कि वो मेरे बर्थडे के लिए रुक जाए। वो मेरे कहने पे ही नहीं गया, दिल्ली में रुक गया। मुंबई गया ही नहीं। आई एम रियली सॉरी। प्लीज आदित से नाराज मत होना। वो क्या है ना कि मैं चाहती थी कि आदित मेरे बर्थडे पे हो, मतलब सारे ऑफिस वाले रहे मेरे साथ, इसलिए मैंने ही उसे रोक दिया था। आपकी बड़ी मेहरबानी सौम्या जी, आज आपकी वजह से अदित जी की जान बच गई। अगर आपने अदित जी को रोका नहीं होता तो अदित जी उस जहाज में चले जाते जो दुर्घटना का शिकार हो गया। मैं आपसे नाराज कैसे हो सकती हूँ? आपने तो मेरे सुहाग की रक्षा की है। मंगल, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि तुम अदित से नाराज मत होना, उससे कुछ कहना मत। उसने शायद किसी को कुछ बताया नहीं होगा ना, इसीलिए। वो मेरे पति हैं, उनसे क्या कहना है क्या नहीं आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आपको अपने जन्मदिन पर हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है।
आप जाइए। और हाँ, एक और बात, मुझसे जो कहना था कह दिया। अच्छा होगा आप ये किसी और से ना कहें। आपसे विनती है मेरी, आपको हमारे घर इतने आने जाने की जरूरत नहीं है। पिछले दिनों कुछ ज्यादा ही परेशानी आ रही है हम पर। अब जाइए। मुझे लगा था मेरी बातें सुन के मंगल हंगामा खड़ा कर देगी, लेकिन इसने तो थैंक यू बोल के मुझे चलता कर दिया। मैंने ही आदित से कहा था कि वो मेरे बर्थडे के लिए रुक जाए, वो मेरे कहने पे ही नहीं गया, दिल्ली में रुक गया। Welcome back, Mangal.